सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सूखा जगह है, तो आप इस पर आपको हम देकर दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मतलब बिल्कुल अच्छा ढंग से काम कर रहा है। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिलजन और आप सभी को मिस्टर स्मार्ट एक्सपेरिमेंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि खाली स्प्राइट की बोतल से किस तरह से पेंट स्प्रे बनाए, वो भी आप अपने घर पर। तो अगर आपको पता नहीं है कि पेंट स्प्रे किस तरह से बनाए, तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डिजिटल स्मार्टिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए रेड बटन को जरूर दबाएं और हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को बेल करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से कोई भी मतलब सेंट का बोतल हो गया, या चाहे मतलब कोई भी स्प्रे हो गया, उसके मतलब ये जो ऊपर का भाग होता है, सबसे पहले आपको वो चाहिए। और दूसरा जो चीज़ होता है, जैसे कि आपको हम आपको वीडियो के फर्स्ट में मतलब बता दिए थे कि मतलब आपको हम स्प्राइट की बोतल में हम आपको बनाकर दिखाएंगे कि किस तरह से बनता है। तो आपको कुछ इस तरह से ये बोतल चाहिए, और बोतल में मतलब आप जो यहाँ पर ये ऊपर जो होल देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ इस तरह से आप यहाँ पर सही ढंग से इसको होल कर लेंगे, और यहाँ पर और होल करने के बाद यहाँ पर जो आप नीचे देख रहे होंगे, तो आप यहाँ नीचे भी कुछ इस तरह से मतलब यहाँ पर कुछ इतना मतलब दूरी छोड़कर आप कुछ इस तरह से यहाँ पर होल इसको बना लेंगे। बनाने के बाद और आपको यहाँ पर जो चाहिए जो सामान, जो कि मोटरसाइकिल का जो मतलब होल पिन होता है, वो भी आपको यहाँ कुछ इस तरह से ये होल पिन चाहिए, और उसमें कुछ इस तरह से यहाँ पर रबड़ चाहिए। तो चलिए अब हम पहले हम इसको खोलते हैं। और वीडियो लंबा होने के कारण हम इस वीडियो के थोड़ा सा हम मतलब यहाँ पर स्पीड कर दिए। तो आप इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये किस ढंग से हम यहाँ पर इसको खोल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत मेहनत करने के बाद ये कुछ इस तरह से यहाँ पर ये खुल चुका है, और खुलने के बाद ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ये उभरा सा भाग है, तो हम यहाँ पर इसको कुछ यहाँ इस तरह से हम इसको काट देंगे, और काटने के बाद हम आपको फिर से दिखाते हैं कि वो कैसा होगा। तो सबसे पहले आप कुछ इस तरह से उस स्प्रे के ऊपर का ढक्कन को आप कुछ इस तरह से काट लेंगे, और कैंची की मदद से आप इसको बहुत अच्छा से इस तरह से काट लेंगे। और काटने के बाद आप जो देख रहे हैं मतलब ये जो ढक्कन है, इस ढक्कन के ऊपर आप ऐसे रख देंगे, और रखने के बाद यहाँ पर इसको जो है और इसको जो है मतलब कि एमसील के सहायता से इसको हम अच्छा तरीका से चिपका देंगे, ताकि ये बिल्कुल भी एयर ना ले। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर इसको किस ढंग से हम यहाँ पर इसको मतलब चिपका रहे हैं। कुछ इस तरह से इसको लगा देंगे, सिर्फ इसको मुंह पर मतलब नहीं पड़ना चाहिए, ताकि ये एयर ना ले। और उसके बाद हम कुछ इस तरह से इसके अंदर इस पाइप को डालेंगे, और डालने के बाद हम इसमें वॉल्पिंग बहुत अच्छा ढंग से इसकी मदद से हम इसमें बॉल पिन लगा देंगे। आप देख सकते हैं ये बॉल पिन कुछ इस तरह से लग चुका है। लगने के बाद यहाँ पर इसके अंदर रबर को कुछ इस तरह से हम इसको डाल देते हैं, डालने के बाद इस नट को कुछ इस ढंग से कस देंगे, ताकि ये थोड़ा भी इससे पहले थोड़ा मतलब इस पर भी बोन ग्रिप इसके अंदर थोड़ा सा दे देते हैं। और हम आपको टेस्ट करके भी दिखाएंगे कि आइए मतलब सही में मतलब चलता है या नहीं चलता है। और इसको पकड़ने के बाद कुछ इस तरह से प्लास की मदद से आप इसको कस देंगे। तो चलिए कस देते हैं। इसको कसने के बाद थोड़ा अच्छा तरीका से इसमें जो है इसके जो मतलब चारों बगल है, थोड़ा थोड़ा सा मतलब इसमें एमसी लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर किस तरह से हम इसमें एमसी लगा रहे हैं, ताकि मतलब यहाँ से भी एयर ना ले। इस कुछ इस तरह से इस कुछ इस तरह से इस पाइप को आप सेट कर देंगे, और सेट करने के बाद इसके अंदर आप इसको सेट कर देंगे। तो चलिए हम इसको सेट कर देते हैं, और उसके बाद हम आपको इसको टेस्ट करके भी दिखाएंगे क्या ये सही में चलता है या नहीं, और इसको हम लाइव आपका टेस्ट भी करके दिखाएं।
तो फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मतलब ये जो पेंट स्प्रे है जो कि यहाँ पर ये बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको अब हम टेस्ट करके भी दिखाएंगे कि ये मतलब रियली में ये काम करता है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके अंदर पानी भर के हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि ये चलता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इस पेंट स्प्रे के हम यहाँ पर इसको ढक्कन खोल लेते हैं, और ढक्कन खोलने के बाद हम इसके अंदर पहले सबसे पहले हम यहाँ पर इसको पानी डाल दे रहे हैं। डाल दिए इसके अंदर पानी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हम इसको इसमें पानी डाल दिए हैं। और उसके बाद हम इस ढक्कन को यहाँ पर लगा देते हैं, और लगाने के बाद हम इसमें तो लगाने के बाद हम इस पंप के सहायता से इसमें हम पहले हम एयर भर देते हैं, और एयर भर के हम आपको दिखाते हैं। लगा दी और इसमें हम पहले एयर भर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें अब एयर जाना चालू हो चुका है। और इसमें आपका पंप भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। और अब हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि ये काम करता है या नहीं। जैसे ही आप इसमें एयर भर देंगे तो ये मतलब बिल्कुल ही टाइट डिब्बा हो जाएगा। और चलिए हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि ये मतलब बिल्कुल ही काम करता है या कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल, आप देखते हैं यहाँ पर ये बहुत अच्छा ढंग से ये काम करने लगा है, और मतलब बहुत अच्छा ये मतलब फॉग भी देता है। आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सूखा जगह है, तो आप इस पर आपको हम देकर दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मतलब बिल्कुल अच्छा ढंग से काम कर रहा है। सो गाइज, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।